वेंडिंग जोन तो कारपोरेशन वालों बनाए नहीं गए जिहड़ियां रसीदां कट के कारपोरेशन रेहड़ी फड़ी वाले दिंदे उहदे बावजूद आम गरीब लोगों ने धक्केशाही की जाती है। 2019 भी धक्केशाही की गई थी, आवाज़ अकाली दल ने उदों भी बुलंद की थी। अज राधे श्याम जी ते राजेश मिश्रा जी वालों जिहड़ा अज कारपोरेशन बी जोन के बाहर धरना लगाया गया, सिर्फ यही मंग है भी धक्केशाही ना की जाए। जिहड़े नजायज़ कारपोरेशन के लोग पहला पर्ची भी कटते हैं, फिर बाद चुना धक्केशाही की जाती है, फिर पैसा लैन लिता जाता वो खिलाफ़। अज सारे इकट्ठे हुए तो असी पहला भी आवाज़ बुलंद की है, तो अगर भी आवाज़ बुलंद इन्हों की जाऊगी जब तक इन्हों इंसाफ नहीं मिलता। आज नगर निगम बी जोन में हम लोग करीब 11 बजे से इतने तपती धूप में गरीब मजदूर धूप में बैठे हैं, मगर अफसर एसी में बैठा है। इन गरीबों का पर्चियां काट के पैसे सूल के खा के इनका सब्जी उठा करके ले आ करके इनके बच्चे खा रहे हैं और एसी में बैठे हैं। ये जो गरीब लोग हैं, एक गरीबों का ऊपर थोड़ा सा भी इनको तरस नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पैसे लेते थे तो वो पैसे के लिए जो वेंडर जोन बना करके देने के लिए इन लोगों से पैसा वसूली किया गया, उसके बावजूद भी इन लोगों को सब्जियां उठा कर ले आई जा रही है, रेड़ियां उठा कर ले आई जा रही है। मैं कहता हूं ये पूरे धक्केशाही कर रहे हैं कमिश्नर साहब और पंजाब सरकार। मैं कहा इतनी भ्रष्ट ना करो आप लोग कि जो आप लोगों के गरीब की जो हाय लगे आपके ऊपर और आपके बच्चों के ऊपर पड़े। कारपोरेशन मुर्दाबाद। पिछले लंबे समय से शेरपुर के सब्जी मंडी के जो जितने भी वेंडर्स हैं, रेडी फड़ी वाले लोग हैं, उन लोगों की जायज़ मांगों को लेकर के आज नगर निगम जोन बी के कार्यालय के बाहर हम लोग इन सारे साथियों के साथ धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं। नगर निगम के तहत बाजारी विभाग ने इन लोगों की नगर निगम की वसूली की, पर्चियां काटी कॉरपोरेशन की और नजायज़ तौर पे इनके अड्डों को ख़त्म किया, भंग किया, तोड़फोड़ की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की। इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर के आज पूर्व काउंसलर राधे कृष्ण के नेतृत्व में ये सारे शेरपुर सब्जी मंडी के लोग यहाँ पर उपस्थित होकर कॉरपोरेशन और नगर निगम के उच्च अधिकारियों को चेतावनी देने आ रहे हैं भी अगर रहते समय के अंदर इनकी मांगों को पूरा ना किया गया, इनके मसलों की सुनवाई ना हुई, इनके मामलों को हल ना किया गया, तो आने वाले समय में ये प्रदर्शन और तेज किया जाएगा।